ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 6. द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो इज ऑब्टेन्ड इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द ट्यूब. स्टूडेंट्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऐसी गैस है जिसका सबसे स्मॉलेस्ट मास है. ठीक है, तो मास अगर स्मॉल होगा तो उसके लिए चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो जाएगी. ओके, और यहां से भी क्वेश्चन, इसी 6 पॉइंट से भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द चार्ज टू मास रेशियो फॉर हाइड्रोजन गैस फॉर द पॉजिटिव रेज इज लार्जेस्ट और द हाईएस्ट. ठीक है, तो आप इसमें इसके मास के रिस्पेक्ट से आंसर लिखेंगे कि जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं उनमें हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास वाली गैस है. तो डिनोमिनेटर में अगर स्मॉलर वैल्यू होगी तो चार्ज टू मास रेशियो जो है वो एक बिगेस्ट वैल्यू बन जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू बन जाएगी. ओके, नाउ द पॉइंट 7. द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट अमंग ऑल द पॉजिटिव पार्टिकल्स. और अगर हम पॉजिटिव पार्टिकल की बात करें, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का जो हाइड्रोजन एटम है वो जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, ठीक है, तो वो हमारे पास H पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाता है. तो ये सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल है अमंग ऑल दी पॉजिटिव पार्टिकल्स. नंबर 8, अ पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉजिटिव रेज इज कॉल्ड प्रोटॉन. स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात नोट करने वाली है कि आप बाकी किसी भी गैस से जो पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्टेन होंगे उनको आप प्रोटॉन का नाम नहीं दे सकते. जस्ट अगर आपने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस यूज की है और उससे अगर आपको जो है वो हाइड्रोजन एच पॉजिटिव यानी मिल रहा है, यानी जो भी पॉजिटिव पार्टिकल्स मिल रहे हैं उनको आप प्रोटॉन्स का नाम दे सकते हैं. ठीक है, यानी उन पॉजिटिव रेस को जो हाइड्रोजन को यूज करते हुए प्रोड्यूस की गई उनको रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स का नाम दिया. अब रदरफोर्ड ने इनको प्रोटॉन्स का नाम क्यों दिया ये भी देख लें. स्टूडेंट्स, अगर हम हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन नहीं होता. ठीक है, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का और इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का एटम है. ठीक है, अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें देन हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन रह जाता है, इसलिए हम इस हाइड्रोजन एटम को प्रोटॉन का नाम दे सकते हैं. ठीक है, लेकिन हम बाकी किसी भी गैस के एटम में से जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे उनको प्रोटॉन्स का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द मास ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल इज नेवर लेस देन दैट ऑफ अ प्रोटॉन. और प्रोटॉन से पॉजिटिव पार्टिकल स्मॉलर नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी भी गैसेस अवेलेबल हैं उनमें जो हाइड्रोजन है वो सबसे स्मॉलेस्ट मास वाली गैस है और उसी से हम प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो प्रोटॉन के मास से स्मॉलेस्ट मास जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स का नहीं हो सकता. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1833 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहां से आपको अंदाजा हो रहा है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो कितना ज्यादा स्मॉलेस्ट है. दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट भी किया था, ये ग्राम की फॉर्म में मैंने लिखा है, 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम्स. ओके, तो ये बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है, −28 यहाँ पर लिखा है. ठीक है, एज कम्पेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन. अगर हम प्रोटॉन का मास 1 ग्राम लेते हैं तो ये जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास है. स्टूडेंट्स, लास्ट में क्या कंक्लूड किया है कि बेसिकली हाइड्रोजन गैस को यूज करते हुए जो हम पॉजिटिव पार्टिकल्स गेन करते हैं उनको भी हम प्रोटॉन्स का नाम दे सकते हैं. ठीक है, और एंड प्रोटॉन बेसिकली तमाम एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तमाम जो मैटर है उसका जो ये फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन, दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, कि आपके पास क्वेश्चन 2017 फाइनल एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया, जस्टिफाई दैट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस वेयर एज द पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन इट. मीन्स कि चार्ज टू मास रेशियो पॉजिटिव रेज के लिए जो है वो कैथोड रेज पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव रेज के लिए वो डिपेंड करती है, चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड करती है पॉजिटिव रेज की नेचर के ऊपर. तो इसको आपने आंसर कैसे करना है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रेज के लिए आपने लिखना है यस चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब बिकॉज पॉजिटिव रेज आर एक्चुअली द कैटाइंस. ठीक है, ये असल में हमारे पास की वर्ड है कि पॉजिटिव रेज ही एक्चुअल में हमारे पास कैटाइंस होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. ओके, यानी कोई भी हम गैस मॉलिक्यूल लेंगे उनके आयनाइजेशन से कैटाइंस प्रोड्यूस होंगे. तो जितनी गैसेस हम डिफरेंट यूज करेंगे तो डिफरेंट कैटाइंस प्रोड्यूस होंगे, तो उनकी चार्ज टू मास रेशियो भी डिफरेंट होगी. सो ईच गैस प्रोड्यूस इट्स ओन कैटाइन हैविंग डिफरेंट मैसेज, दैट्स वाई वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस. और कैथोड रेज के लिए आप क्या लिखेंगे, नो द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज डोंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब बिकॉज कैथोड रेज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द की वर्ड ऑफ द आंसर, प्रोड्यूस्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ एटम्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. सो ईच गैस प्रोड्यूस्ड सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द सेम मैसेज इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस. जो भी गैस यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो वही प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, जो हर एटम के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, सेम मैस है उनकी, सेम नेचर है, सेम चार्ज है. दैट्स वाई चार्ज टू मैस रेशियो कैथोड रेज के लिए डिफरेंट नहीं होगी अगर हम डिफरेंट गैसेज यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच.